तो वो हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं एवरेज में भी, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि वो क्या होता है एग्जैक्टली। चलिए तो सबसे पहले अगर एवरेज देखिए, यहां पे ऐसे हम इस तरह से निकालते हैं एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, देन कम्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। Then comes the average of square of first n natural numbers. Then comes average of क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इन चीजों को हम देखते हैं आज। चलिए यहां पे हम देखते हैं एन जो है, एन एन नेचुरल नंबर्स। अब इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हम कैसे निकालने वाले हैं या कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। और ये होता है एन प्लस वन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स होता है एन प्लस वन, और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होता है एन, ठीक है। अब आ जाते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ठीक है। और हम बात करें एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो ये होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार हम फ्रेम कर लेते हैं फटाफट। ये फॉर्मूले जो है ये आपने याद रखने पड़ेंगे, और इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर।
और दो चीजें और रह गई इसमें, अभी आपको बता देते हैं। दो नहीं, चार चीजें और रह गई, अभी आपको बता हैं। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स ये क्या होता है? तो ये होता है, इसका फॉर्मूला जो है वो है टू टाइम्स एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ये होता है टू एन प्लस वन इंटू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री। हम आ जाते हैं एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, उसके नीचे आ जाएगा एवरेज ऑफ इसकी वैल्यू होती है टू इंटू एन एन प्लस वन और ऑड की होती है एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, चलिए इसको भी फ्रेम कर लेते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपने याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इसके बाद आगे ठीक है इनका यूटिलाइजेशन होगा, वो हम देखेंगे किस तरह से इनको यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हैं सारे आपके फॉर्मूलाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। इसको अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।
याद रखने हैं सारे के सारे फॉर्मूलास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये सर आपने इतने सारे फॉर्मूले लिखा है, ये किधर काम आता है, कैसे काम आता है, इसका यूटिलाइजेशन होता कैसे है ना। राइट, आइए देखते हैं किस तरह से सवाल इसमें किस तरह से आते हैं। सवाल इसमें ऐसे आते हैं कि भाई अगर आपसे पूछा कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अप टू 51, है ना, आपसे पूछा फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू 51। अगर आपसे सीधे सीधे पूछा है फाइंड आउट अप टू 51, है ना, इसका मतलब क्या है कि आप उसको शुरू से शुरू करेंगे। अगर शुरू से आप उसको शुरू करने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दिस इज आस्किंग फॉर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अप टू कितना करना था 51, अप टू कितना करना था 51, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 51 हो गया, है ना, एन की वैल्यू 51 हो गई। अगर एन की वैल्यू 51 हो गई तो आप इस फॉर्मूले में रख देंगे एन प्लस वन बाई टू में, तो एन की वैल्यू सर 51 है, प्लस वन हो गया 52, 52 डिवाइड बाई टू कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 26 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 26 हो गया। अगर आपका अगर आपसे पूछा है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू 51, तो ये क्या हो जाएगा आपका 51 प्लस 1 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, यस। अभी सबके एग्जांपल्स दे देते हैं अभी फटाफट फटाफट। ठीक है, पहला था एवरेज ऑफ, है ना, एवरेज ऑफ। चल तो पहला जैसे मैंने आपको बोला कि सर पहला इसने पूछ लिया कि बताइए एवरेज ऑफ, है ना, व्हाट 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 इज एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 71, ये सवाल पूछा है ना। अगर ये सवाल पूछा है तो इसका जवाब क्या होने वाला है, आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे एन कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर एन दिया हुआ है 71, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 71 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कितना हो गया 36 इज माई राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना, यस। तो ये पहला हो गया। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स अप टू 88, फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स, है ना, एन नेचुरल इवन नंबर्स, ठीक है, अप टू 88। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, सर एन की वैल्यू कितनी दी है 88, और सर हमारा फॉर्मूला क्या है इवन नंबर्स का, आप बोलोगे सर एन प्लस वन हमारा फॉर्मूला है, एन का वैल्यू है 88 प्लस वन, हमारा आंसर कितना आ गया 89 इज आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन नंबर्स का। अब बात करते हैं हम ऑड नंबर्स की, तो तीसरा आ जाता है ऑड नंबर। अगर आपको बोला फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स odd numbers up to 61, ना odd numbers up to 61, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर n का वैल्यू है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 61 दिया है, और हमारा फॉर्मूला भी क्या है n का, तो सिर्फ n है तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 61 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो यहां तक ये चीजें आपको क्लियर होंगी आई बिलीव। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या दिया था, इसके बाद देखते हैं और क्या था। अब लोग सर इसके बाद दिया हुआ था एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, है ना, एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये एन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सर फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू 7, है ना, नंबर्स अप टू 7, ठीक है। तो सर यहाँ पे कैसे करेंगे, आप लोग सर क्वेश्चन में दिया हुआ है एन का वैल्यू कितना है, 7 है, एन का वैल्यू है यहाँ पे 7, ये क्वेश्चन में दिया, हमारा फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे सर एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना है, 6 है, ये मेरा फॉर्मूला है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, थोड़ा साइड में चला गया, दूसरा कलर लेते हैं। चलिए तो सर हमारा फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे सर एन प्लस वन और इधर था टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना है, 6, ये मेरा फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एन का वैल्यू 7 है तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस वन और ये हो जाएगा 7 × 14 प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना है, 6 है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका होगा सर 8 × 15 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अगर इसको काट लेते हैं तो बिल्कुल सर 2 से कटेगा 3 टाइम और 2 से कटेगा 4 टाइम, ठीक है, 3 से कटेगा 1 टाइम और 3 से कटेगा 5 टाइम, तो सर कितना हो गया मेरा एवरेज, आप बोलोगे सर 20, ठीक है, 20 इज माई करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा मेरा 20 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने निकालना है क्या, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स अप टू 7, सेवन मतलब क्या पूछा था, यही ना पूछा था, 7 में 7 के स्क्वायर तक का ना एवरेज पूछा था, ठीक है ना, एवरेज पूछा था। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, नंबर 7 है तो सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसी तरह से पूछा हुआ था आपसे, इस सब के वैल्यूज आप निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, यस, यही आपसे पूछा हुआ था। बच्चे यू तो आप निकाल लीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, ठीक है, इसको निकालते हैं। चलिए आप बोल रहे हैं आपके लिए निकाल देते हैं इसको, चलिए तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 50 हो गया, आपका तो 55 हो गया और 140 आ गया सर, 140 आ गया, कितने नंबर थे, आप बोलोगे सर ये 7 नंबर है, डिवाइड बाय 7 करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, चीज़ों को आपने सॉल्व करना है, आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने ऐसा बताया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, आंसर मैच हो रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमें अरिथमेटिक वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर निकालने आने चाहिए, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद आप कहेंगे सर क्यूब था, क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एवरेज ऑफ नंबर्स अप टू नेचुरल नंबर्स अप टू एन नेचुरल नंबर्स, क्यूब निकालना था, है ना, क्यूब निकालना था, क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। आपसे सवाल में पूछा है फाइंड एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स अप टू, हम 11 ले लेते हैं, 11, चलिए यहाँ पर सर कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर एन का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, एन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 11 और अंदर कितना हो गया, 11 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू उसका स्क्वायर हो गया, इसको करोगे तो ये 11 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 12
बाई टू होल स्क्वायर, ये हो गया सिक्स, सिक्स का स्क्वायर होता है 36, तो 11 × 36 हो गया, तो ये कितना हो गया बोलोगे सर? 3, 9 और 6, दिस इज माई करेक्ट आंसर। So, इसी तरह से आपने बाकी जो भी हैं इनके भी आपको ऐसे ही आंसर निकालने हैं। फॉर्मूलाज आपके सामने दिए हुए हैं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स के फॉर्मूला दिए हुए हैं, ऑड नंबर्स के दिए हुए हैं, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स, देन द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स एंड द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। इस तरह से आपको सारे दिए हुए। ठीक है, चलिए निकाल के देखिए और एक बार, निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें निकलने में। ये क्यूब का हो गया था, अब इसमें पूछ रहा है सर फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ द इवन नंबर्स अप टू आपसे पूछा है, चलो 18 निकालिए, है ना? मतलब क्या है कि इवन नंबर्स जो है अप टू 18 तक के, उनके स्क्वायर्स का एवरेज पूछा हुआ है ना, इवन नंबर्स का स्क्वायर्स का एवरेज पूछा हुआ है। और यहाँ पे एन कितना है? कहोगे सर एन की वैल्यू कितनी है? तो सर 18 है ना, एन की वैल्यू 18 है। और सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है भाई, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला सर। तो इस फॉर्मूला में रख के हम याद इसको निकालने की कोशिश करते हैं, चलिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा? 18 यहाँ पे रख देंगे, 2 इसके बाद आ गया 18 प्लस 1 उधर आ गया, 18 2 टाइम्स 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है? 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हो गया 2 × 19 × 37 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड बाय कितना था? आप बोलोगे सर 3 था। ठीक है, इतना। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना तो अपने आना ही चाहिए, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे सर 19 का डबल कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 19 × 2 होता है 38, और इधर था 37 डिवाइडेड बाय कितना है? 3 है ना, 3। सर 37 × 38 है, मतलब ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं? देखिए ना 37 × 38 है ना, ये इसी तरह से है 37 × 38 बराबर है। हाँ, अब 37 × 38 है तो मतलब 37 जो है इसका जो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं इस नंबर का स्क्वायर करते हैं सर और इसी नंबर को ऐड कर देते हैं, है ना, इस तरह से। तो 37 का स्क्वायर आपको आपको बताया है कि आपको याद करना पड़ेगा ये, तो ये होता है 1369। ठीक है, 1369 इसमें ऐड कर देंगे कितना? 37, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1406। ठीक है, तो ये हो गया 1406 डिवाइडेड बाय। अब इसको देखिए सब जगह क्या है, आपको स्मार्ट अप्रोच करना ही पड़ेगा। इसको स्मार्ट अप्रोच में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर 1406 है ना, ये 3 से नहीं जा रहा है पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से नहीं जाता है। तो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग बताया था, ये चीजें आपको हर जगह काम आने वाली है। वो क्या है कि सर मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ, तो अगर मैं इस यूनिट डिजिट को 6 के बजाय 7 लिख दूँ तो क्या होगा? तो ये पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया
वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, बराबर है। अभी देखिए क्या है इसमें, ये कितना नंबर है? आप बोलोगे सर 1406, 1406 में आपने एक कम किया या एक ज्यादा किया तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा 4, 6 और 9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया? तो आप बोल सकते हो सर 4, 6 और। ठीक है, तो ये चीजें जो है जो आपको सिखाई है वो हर जगह काम आने वाली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे काम आने वाली है। ठीक है, ये आपको हर जगह पे काम आने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आ गए इतने जल्दी? हाँ चलिए, अब अगर क्वेश्चन पूछा है कि भाई फाइंड फाइंड स्क्वायर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स टू से पूछ लिया है 13, है ना, ऑड नंबर्स अप टू 13 इनका स्क्वायर पूछ लिया है। तो भाई इनका अगर स्क्वायर पूछा है, एन की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर एन की वैल्यू है 13। और सर हमारा फॉर्मूला क्या है इनका? आप बोलोगे सर एन का इसका जो फॉर्मूला है ऑड वाला वो क्या है? देखो भाई ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। 2n+1 है और 2n-1 है, बहुत आसानी से याद होता है, ऐसे कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। डिवाइड बाई 3 है, ठीक है, डिवाइड बाई 3 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2n+1, n कितना है? 13 है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ n 13 है, तो 13 2 कितना हो गया? 26 हो गया सर, प्लस 1 है इनटू, इधर लिखूंगा तो सर 26 है माइनस 1, डिवाइडेड बाई कितना है? तो ये हो जाएगा 27 इंटू कितना हो गया? 25 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3। तो भाई अगर ये ऐसा हो गया है तो कटने से कटेगा, होगा सर ये कट जाएगा कितना? 3 से 9 टाइम, 9 इंटू 25 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 25 क्या है? वो 225 होता है, 225 इज माय आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो इसमें एक था, अब क्यूब पे आ जाते हैं, इसमें पूछा है अगर फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर अप टू 22, बड़ा आएगा थोड़ा, कोई बात नहीं, निकाल लाना चाहिए हमको बाकी सारी चीजें। ठीक है चलिए, यहाँ पे देखिए तो एन कितना है? तो आप बोलोगे सर एन जो है ना वो 22, एन जो है वो 22 है। और सर इसका फॉर्मूला क्या है? देखो तो ये क्यूब का फॉर्मूला बहुत आसान है, क्यूब का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स, आप इसको ऐसे तरह से याद रखिए, है ना, एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, बस इतना ही फॉर्मूला है इसका। और ऑड का क्या फॉर्मूला है? तो बोलोगे सर ऑड का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर ब्रैकेट में 2n² -1। देखिए वो याद हो जाएगा धीरे धीरे, आपको याद करना पड़ेगा, नहीं भी होगा तो है ना, इसका कोई इलाज नहीं है बाबू, इसका कोई इलाज नहीं होता है ना। फॉर्मूला याद करने हैं, टेबल याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, इन सब का कोई क्या कहते हैं उसके विकल्प नहीं है दूसरा। चलिए तो एन कितना था? 22 था, तो सर अंदर मैंने रख दिया 22 इंटू 22+1 कितना हो जाएगा आपको? होगा 23 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर हो गया। चलिए तो अब इसको निकाल लीजिए, ज्यादा बड़ा स्क्वायर हो जाएगा ना, आता तो है लेकिन क्या करेंगे इसको। चलो 22 इंटू 23, चलो अभी सबको मल्टीप्लाई करना है तो अलग अलग कर लेते हैं। 23 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 529, तो इसको 529 कर लेते हैं। और 22 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, है ना, 44 हो जाएगा। ये भी ठीक, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद आप जैसा चाहो वैसा
मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसको, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि सर मैं इसको पहले इसको 11 into 4 में इसको कर लूँ, उसके बाद 529 का 4 टाइम्स कर लूँ, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये करने का वो भी कर सकते हो, या आप इसका डबल करके into 22 भी कर सकते हो, जैसा आपको सही बने आप वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन तो आपने करनी पड़ेगी, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। 529 into क्या करेंगे, 44 करेंगे, करेंगे तो ये करीब देखिए 500 का 4 गुना 20,000 और 4 22,000 और 76, ये आ जा रहा है आपका 23,276 आ जा रहा है, 23,276 आ जाएगा इसका आंसर, 23,276 विल बी योर राइट आंसर। कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा गुरु, कोई इलाज नहीं है इसका ना। चल आ जाते हैं, अब अगर आपसे पूछ लिया भाई फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑड नंबर्स अप टू 70, बड़े नंबर हो छोटे नंबर हो क्या फर्क पड़ता है भाई, कैलकुलेशन तो हमको आना ही चाहिए, हम है ना, एन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 17, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाई अभी बताया था आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, होता है एन स्क्वायर टाइम्स एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर एन कितना है 17, है ना, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, और इधर करेंगे तो कितना, चलो कोई बात नहीं, 2 into 289 माइनस वन, चलिए इसको आप निकालेंगे तो कितना होगा, इसका डबल कर लो, इसका डबल कर लो तो कितना हो जाएगा 49, इसका डबल 56, फाइव सेवेंटी एट माइनस वन हो गया 577, 577, 289 into 577 हो गया, ठीक है, ये करना तो पड़ेगा इसको, कैलकुलेशन जैसा भी हो ठीक है, आप इसको कर लेंगे कितना आना चाहिए, 279, वैसे ऑप्शंस होते हैं तो आपको इसके थ्रू मिल जाएगा कि भाई लास्ट के ऑप्शन में 9763 जिसमें आ रहा है वही आपको ऑप्शन होने वाला है, ठीक है, ये कुछ आता है आपको 16675, इस तरह से आपने पूरी करना है, डन, चलिए ये सारी चीजें देखी हमने कि अगर अर्थमेटिक में मीन से रिलेटेड जो आते हैं प्रोग्रेशन उनके स्क्वायर किस तरह से निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने आज स्टार्टिंग में देखा था कि सर अगर कंसेक्यूटिव वाले नंबर्स आते हैं तो क्या करना चाहिए, और जो हमने देखा था कि सर मिड वैल्यू कब होती है एवरेज, जब उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट, व्हेनेवर द कॉमन डिफरेंस इज सेम देन व्हाट वी कैन से दैट एवरेज विल बी आर मिड वैल्यू, और वी कैन से मिड वैल्यू इज गोइंग टू बी आर एवरेज। तो इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो इस तरह से पूछता है कि अगर आपसे बोलता है कि एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अगर आपसे सवाल में पूछता है कि एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 221,
एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 221, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये एक सवाल है, कैसे करेंगे इसको? देखिए क्या दिया हुआ है, सवाल में पढ़ना बहुत जरूरी। क्या दिया है सर? बोला है कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने हैं? पांच हैं, और उसका एवरेज कितना है? 221 है। सर अगर कंसेक्यूटिव नंबर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो मिड वैल्यू हमारी एवरेज हो जाती है, और एवरेज ही हमारा क्या हो जाता है? मिड वैल्यू हो जाता है। तो सर ये जो हमारा एवरेज है 221, यही क्या हो जाएगा? ये हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब मिड वैल्यू होगा 221। तो भाई अगर मिड वैल्यू 221 है तो मिड वैल्यू के पहले कौन सा नंबर है? कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसके पहले कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलोगे सर इसके पहले आएगा 220, और इसके पहले कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलोगे 219, और इसके पहले कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलोगे 218। इसी तरह से 221 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलोगे 222, और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 223, और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 220। कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना? कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर ये बीच वाला नंबर था, क्यों ये बीच वाला नंबर क्यों लिया? क्योंकि सर कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, और अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो सर ये कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो सर इसके बाद का नंबर निकाल आइए। अच्छा नंबर कितने हैं? नंबर पाँच हैं। तो ये अगर बीच वाला नंबर है एक, तो इसके पीछे भी दो होंगे और इसके आगे भी दो होंगे, लेकिन सब मिला के पाँच नंबर होंगे। एक्चुअल में हम देखें तो इन दोनों की हमको जरूरत ही नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में, तो इन दोनों को हटा देते हैं कि हमको पांच ही नंबर चाहिए थे ना। तो ये हमारे क्या हो गए? वो पांच नंबर्स हो गए जिनके बारे में बात हो रही है। ये आपके वो पांच नंबर्स आ गए। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद वेरिएशन आएगा। ये पांच नंबर तो आपको मिल गए, अब क्या है? अब कुछ नहीं सर, आपको जो पूछा है वो बता दो। अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट बता दो, लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट बता दो, ये सब आप पे डिपेंड करेगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट नंबर ये है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 219 इज द राइट आंसर। ठीक है, यस। आप देखते हैं आगे और इसमें वेरिएशन क्या आता है। अगर आपसे पूछा, अगर आपसे पूछता है कि भाई एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 82, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना? अब क्या बोला है? बोला है सर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एवरेज कितना है? 82, नंबर्स कितने हैं? 5। अगर इसका एवरेज 82 है, तो क्या होगा सर? ये एवरेज 82 है और कंसेक्यूटिव नंबर है, तो ये मेरा मिड वैल्यू हो गया। और मिड वैल्यू के पहले इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो सर मिड वैल्यू के पहले कौन सा इवन नंबर आएगा? अब बोलोगे 82 के पहले सर इवन नंबर 80 आता है, इसके पहले कितना आएगा? 78 आएगा। इसी तरह से 82 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा? तो आप बोलोगे 84 आएगा, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो सर 86 आएगा। आपको सवाल में क्या पूछा था? आपको सवाल में पूछा था क्या? लार्जेस्ट नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यस। आप देखिए आगे चलो। अभी अगर आपसे पूछ लिया इसमें सवाल कि एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 29, फाइंड सम ऑफ स्मॉलेस्ट and largest number।
पूछ लिया स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर पूछा, सबसे पहले क्या दिया हुआ, तो बोलो सर कंसेक्यूटिव है, ऑड है, और कितने नंबर है, पांच नंबर है, एवरेज कितना है 29, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 29, ये मेरा मिड वैल्यू हो गया है ना। 29 अगर मेरा मिड वैल्यू हो गया तो सर इसके पहले कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो आप बोलोगे 27 आएगा, और इसके पहले कौन सा आएगा तो 25 आएगा, सर इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा तो 31 आएगा, और इसके बाद कौन सा आएगा तो 33 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मेरे पांच नंबर्स हो गए जिनकी बात हो रही है ना। अब सवाल में क्या पूछा था, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, आपको पूछा है सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 25, लार्जेस्ट नंबर है 33, इन दोनों का सम पूछा हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 2 5 और ये 58, 58 इज माय राइट आंसर, ठीक है, 58 विल बी माय राइट आंसर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसमें जो वेरिएशन आता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वेरिएशन कैसे आता है, वेरिएशन किस तरह से आता है, देखिए क्वेश्चन में अगर पूछा है एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ फाइव इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव, सॉरी नॉट ओनली इवन आएगा, फाइव कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 19, देन फाइंड स्मॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। अब भाई मेरा नंबर तो कंसेक्यूटिव है और पांच है, एवरेज इवन नंबर की बात हो रही है और एवरेज कितना है 19 है, तो 19 क्या हो जाएगा मेरा मिड वैल्यू है ना, 19 क्या हो जाएगा, ये एवरेज है तो ये मेरा क्या हो गया मिड वैल्यू हो गया। अब आप बताइए इसमें आपसे बोल रहा है कि फाइव कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज 19 है, एवरेज 19 है इसका मतलब ये मिड वैल्यू है, अगर ये मिड वैल्यू है तो इसके पहले कौन सा इवन नंबर आने वाला है, आप बोलो सॉरी फाइव नहीं क्वेश्चन सिक्स होगा, सिक्स सिक्स ठीक है, एवरेज ऑफ सिक्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 19 है ना, एवरेज ऑफ सिक्स कंसेक्यूटिव नंबर इज 19, तो ये क्या हो गया आपका, ये मिड वैल्यू हो गया, मिड वैल्यू अगर 19 है इसके पहले कौन सा इवन नंबर आएगा, तो आप बोलोगे सर इसके पहले इवन नंबर आएगा वो होगा 18, और 18 के पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे 16, और इसके पहले कौन सा आएगा, आप कहोगे 14, और सर 19 के बाद कौन सा आएगा, तो आप कहोगे 20, इसके बाद कौन सा आएगा तो 22, और इसके बाद कौन सा आएगा तो 20, तो ये वो सिक्स नंबर्स हैं जो बात कर रहा है, सिक्स नंबर्स की, तो ये वो सिक्स नंबर्स हैं जिनकी उसने बात की थी, एवरेज 19 दिया था, एवरेज 19 आने से ये जरूरी नहीं है कि वो भी इवन आए, अगर ये एवरेज 19 है इसका मतलब ये बीच की वैल्यू है, ये बीच की वैल्यू है तो इससे पहले कौन सा आएगा और इसके बाद कौन सा आएगा ये आपने देखना है। और आपसे सवाल में पूछा था क्या स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 14 है, सो दिस विल बी योर इसी तरह से एक और सवाल लेते हैं, इसमें अगर आपको बोलता है एवरेज ऑफ एट एट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 22, consecutive odd numbers is 22, then find the average of smallest and the largest number, huh?
कुछ नहीं है सवाल में, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, बस ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया था? तो आप बोलेंगे सर एवरेज दिया है 22, ये आपका एवरेज है। और सर बात किसकी हो रही है? ऑड नंबर्स की, कितने? 8 है ना। हाँ 8। तो हम देखते हैं कि सर इससे पहले कौन सा ऑड नंबर आएगा, 22 के पहले कौन सा ऑड नंबर आएगा। तो आप बोलोगे सर 21, उसके पहले 19, उसके पहले 17, उसके पहले 15। ये 4 नंबर इधर हो गए, टोटल 8 नंबर की बात हो रही है। तो इसके बाद कौन सा आने वाला है, इसके बाद कौन सा आने वाला है, इसके बाद कौन सा आने वाला है। तो आप बोलोगे सर इधर 23 आएगा, इधर 25 आएगा, इधर 27, इधर 29। तो आपने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर आपने वो नंबर्स निकाल लिए है ना, वो नंबर्स निकाल लिए जिनकी वो बात कर रहा था, जिसके बारे में वो हमको बताने की कोशिश कर रहा था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, अब वो निकाल लिया है। अब आपको क्या पूछा है सवाल में, देखिए क्या पूछा है। एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो भाई साहब यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? आप बोलोगे सर 15 है, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 29 है। आपको इन दोनों का एवरेज पूछा है, तो क्या करेंगे आप, 15 प्लस 29 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। दो ही नंबर है, दो ही नंबर है, ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो गया 30 और 40 और 44, 44 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इनका एवरेज कितना हो गया, 32 इज माई राइट आंसर। ठीक है, 22 इज अवर राइट आंसर। चलिए आज एक और देखते हैं, अभी इसी में एक और लास्ट वेरिएशन, आज का लास्ट वेरिएशन देखते हैं क्या है। देखिए अगर आपको दिया है एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, इवन नंबर्स इज 31। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन। चलिए इवन नंबर छोड़ देते हैं, इसमें दूसरा देते हैं नंबर्स की वजह हम लेते हैं कि एवरेज ऑफ 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, एवरेज ऑफ 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 6, 5 मल्टीपल्स एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज 39, देन फाइंड the second largest number. 5 multiples of 3 दिया है, जिसका एवरेज कितना है 39। अगर 5 मल्टीपल्स हैं और मल्टीपल ऑफ 3 है, एवरेज कितना दिया है 39, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर मल्टीपल की बात हो रही है, हमने शुरू में देखा और कितने हैं, कितने हैं। तो आप बोलोगे सर ये कितने हैं, ये पूरे के पूरे 5 हैं, 5 है। तो सर 39 के पहले कौन सा आएगा? तो बोलोगे सर 36 आएगा, 36 के पहले कौन सा आएगा, 33 आएगा। और सर इसके बाद इसका कौन सा मल्टीपल आएगा? तो आप बोलोगे सर 39 के बाद 42 आएगा, और 42 के बाद कौन सा आएगा, कहोगे 45 आएगा। तो ये वो नंबर्स हैं जिनकी बात ये कर रहा है सवाल में। आपसे क्या पूछा है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है गुरु? आप कहोगे सर ये है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, है ना। सो 42 इज माय
करेक्ट ठीक है, 42 विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है और चीजों को इस तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमने इतनी सारी चीजें देखी हैं। अच्छा, ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट आपका बेसिक्स नहीं है, एक्चुअली बेसिक से है, बट ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये अब जब यहाँ से आगे जाएंगे तो मेंस के जो लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं, एडवांस के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल यहाँ से शुरू करता है उस सवालों को। तो जब सवाल यहाँ से शुरू होंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भैया अगर मेरे को इस तरह से सवाल आएंगे तो मुझे फटाफट वो नंबर निकाल लेना चाहिए कि भाई लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये सब आपको निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप आगे के सवालों को कर पाएंगे। डन, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको ये चीजें जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो सब कुछ समझ में आया होगा बहुत से हद तक, और इसके आगे हम आगे जाकर सवालों को करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जितना आपको आज तक पढ़ाया समझाया, इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, और हम क्वेश्चंस और टाइप्स जो होते हैं अलग अलग के, वो सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। अभी की ये जो दो क्लासेस थी, ये एक्चुअली बेसिकली आपके जितने भी बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए थी। इस पर ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।